सिद्धार्थनगर लोटन कोतवाली अंतर्गत ग्राम मुंडली पोस्ट बघेली निवासी मुरली गौड पुत्र मिट्टू ने अपने गांव में पूर्व स्थित तालाब पर लगभग 20 वर्षों से जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहा था। ग्राम सभा द्वारा आपत्ति करने पर राजेश द्वारा अर्थदंड दिया गया, फिर भी उक्त व्यक्ति द्वारा उस पर पक्का निर्माण कर मकान बना दिया गया। उसका मुकदमा 2006 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश दिया। एसडीएम बांसी के नेतृत्व में सीओ सदर दिलीप कुमार सिंह, सीओ शिव सिंह, सीओ महेंद्र देव सिंह और साथ ही लोटन कोतवाली प्रभारी अंजनी राय, थाना मोहन प्रभारी, थाना अध्यक्ष जोगिया हरिनारायण दीक्षित समेत पुलिस बल गांव पहुंची और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा शांति व्यवस्था के साथ अतिक्रमण हटा दिया गया। दो में ये जो है बेदखली हुई थी, ये पोखरी की जमीन है और उसी के तहत इसका अतिक्रमण हटाया गया है। 2006 में इन्होंने जो रिट की थी उसमें एक साल के लिए स्थगन था और वो रिट जो है इसी डायरेक्शन के साथ डिस्पोज कर दी गई थी कि ये चाहे तो अपना दूसरा कोई रिट करे और ये एक साल तक न गिराया जाए। बजाय उसके हम लोगों ने उसका पूरी तरह से कम्प्लायंस किया है और आज जो है ये अतिक्रमण जो पोखरी की जमीन पर था, जो पूर्व में 2002 में आदेश हुआ था, उसकी कम्प्लायंस आज की गई है। उससे क्या कार्रवाई? ये अतिक्रमण हटा दिया गया है। जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसको गिरा दिया गया।